अच्छा था, उन्होंने उसको अपना आरएसएस का एक प्रोग्राम बना लिया। लेकिन सब जाएं, राम को इनकी झोली में ना डालने दें। कोई चुनाव लड़ूंगा ना किसी पार्टी में जाऊंगा, लेकिन मैं कैंपेन करूंगा, कैंपेन करूंगा मैं जो मोदी को हरा रहे होंगे उनके लिए। नड्डा वाले मामले में बीजेपी उसको गलत तरीके से कर रही है, वो तो सारे राष्ट्र का है, भगवान राम सबके हैं। हम तो सुबह उठते हैं तो राम करते हैं, आपस में अभिवादन करते हैं तो राम करते हैं, किसान तो जब अपनी बैल खोलता है तो राम कहता है। अगर वो सबको विश्वास में लेके एक साथ करते तो अच्छा था। उन्होंने उसको अपना आरएसएस का एक प्रोग्राम बना लिया, तो दूसरे लोगों को चाहिए कि उस दिन ना जाएं तो अगले दिन चले जाएं, तीसरे दिन चले जाएं, लेकिन सब जाएं, राम को इनकी झोली में ना डालने दें। धन्यवाद। या आगामी आप चुनाव लड़ने वाले हैं या किसी पार्टी से? मैं ना कोई चुनाव लड़ूंगा ना किसी पार्टी में जाऊंगा, लेकिन मैं कैंपेन करूंगा। किस पार्टी के लिए कैंपेन? कैंपेन करूंगा मैं जो मोदी को हरा रहे होंगे उनके लिए। तो राहुल यात्रा, न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं? राहुल अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे पास तो आए थे, उनसे बात हुई, वो अच्छा लड़का है, वेल मीनिंग है, मेहनत कर रहा है। उसको मैं इतना जरूर कहूंगा कि यात्रा को छोटी करके अब चुनाव नजदीक आ गए उसमें लगे। तो यात्रा में आप भी शामिल होगे? मैं इन कामों में शामिल नहीं, मैं कोई पॉलिटिक्स ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये शिक्षा संस्थान का काम था, आ गया ऐसे कामों में। जी जी, आगे भविष्य में आपकी क्या हो रही है? मैं बताया आपको, लिखना पढ़ना, लोगों को सजेशन देना, अपोजिशन के लोग मेरे पास आते हैं उनको मैं अपनी राय देता हूँ, लेकिन मैं अब ना मेरे पास इतना रुपया है कि मैं चुनाव लड़ूँ या राजनीति करूँ, मैं अपने घर पे हूँ। जो लगातार ईडी के भी छापे पड़ रहे हैं सर, जी जी, ये तो पूरी तरह दुरुपयोग, शर्म आनी चाहिए सरकार को कि वो लोगों को ईडी दिखा के डराए। तो इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन का अच्छा भविष्य है अगर वो आपस में समझदारी के साथ काम करेंगे तो। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.